होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध जटिल ऑपरेशन क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवा आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज होराइजन हॉस्पिटल जलविहार कॉलोनी कटोतला रायपुर। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, ऐसे में छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक भयावह और मार्मिक तस्वीर सामने आई है जहाँ 12 साल की बच्ची ने डिहाइड्रेशन के कारण अपनी जान गंवा दी। दरअसल यह बच्ची बीजापुर के आदेड़ गांव से रोजगार की तलाश में तेलंगाना के पेरूर गांव गई थी जहां लॉकडाउन के चलते रोजगार नहीं मिलने से वह जंगल के रास्ते अपने गांव वापस आ रही थी। 3 दिन तक चलने के बाद जैसे वह बीजापुर जिले पहुंची डिहाइड्रेशन के कारण बच्ची की मौत हो गई। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सांत्वना व्यक्त करते हुए परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ सरकार जहां पलायन न होने की लाख दावे करे, साथ ही आदिवासियों को लगातार सुविधा उपलब्ध कराने की बात करे, लेकिन आज जो तस्वीर जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो निश्चित तौर पर सरकार की दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। दरअसल बीजापुर के आदेड़ गांव की 12 साल की जमलो मटकामी अपने ही गाँव के कुछ लोगों के साथ रोजगार की तलाश में आज से 2 महीने पहले मिर्ची तोड़ने तेलंगाना के पेरू गांव गई हुई थी। लॉकडाउन लगने के बाद 16 अप्रैल को तेलंगाना से वापस ये मासूम बच्ची अपने साथियों के साथ बीजापुर के लिए पैदल ही रवाना हुई। करीब 100 किलोमीटर का जंगल का सफर पैदल ही तय कर 12 प्रवासी मजदूरों का दल 18 अप्रैल को बीजापुर के मोतकापाल तक किसी तरह पहुँच ही पाया था। इसी दौरान डिहाइड्रेशन का शिकार होकर जमलो की मौत हो गई। प्रवासी मजदूर के मौत की खबर लगते ही एहतियात के तौर पर प्रशासन ने बच्ची के शव के साथ दूसरे प्रदेश यानी कि तेलंगाना से आ रहे मजदूरों को भी क्वारंटाइन कर दिया। अपनी इकलौती बेटी की मौत की खबर लगते ही पिता आंदोराम मटकम और मां सुखमती मटकम जिला चिकित्सालय बीजापुर पहुंचे। मौत के 3 दिनों बाद आज बच्ची के शव का पोस्टमार्टम बीजापुर में हुआ, जिसके बाद जमलो के शव को उसके माँ बाप को सौंपा गया। जमलो के पिता ने मीडिया को बताया कि 2 महीने पहले उसकी मासूम बेटी रोजगार की तलाश में तेलंगाना गई हुई थी। लॉकडाउन 2 लगने के बाद गांव के लोगों के साथ पैदल ही वापस लौट गई थी। इसी दौरान उनकी बेटी की मौत हो गई। वो भूखा लग गए बताए आंध्रा में। आंध्रा जी क्यों गई थी? मिर्ची तोड़ने के लिए। मिर्ची तोड़ने के लिए जी। काम करने के लिए गई थी? हाँ। आप लोग नहीं गए थे? नहीं गए थे। ठीक है, लेकिन उधर से जब आ रही थी किसमें आ रही थी? पैदल आ रही थी ना वापस गांव? हाँ जी। गांव कितने दिन से चल के आ रहे थे वहां से? 3 दिन में। और खत्म कहां पे हुई? इधर मधुपाल में। मधुपाल के पास में। इधर आदिवासियों को सभी सुविधा उपलब्ध कराने की बात कहने वाली सरकार और पलायन को न मानने वाली सरकार को जब यह बात पता चली तो तत्काल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमलो मड़कम की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया। वहीं साथ ही परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर तत्काल देने की बात कही। साथ ही कलेक्टर को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भूपेश बघेल ने दिए। हाँ, ये तोयनार थाना अंतर्गत आदेड़ ग्राम के 11 लोगों में से जो कि तेलंगाना मिर्ची तोड़ने गए थे उनमें से एक बच्ची थी जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी। ये 15 तारीख से ये पेरूर के आसपास जो कि अपने तालुगड़ा बारे बॉर्डर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है तो वहाँ से निकले थे और 18 तारीख को सुबह लगभग ये हम लोग के बॉर्डर जो एरिया है एंटर करने के बाद में 8-9 बजे इसकी डेथ हो गई थी। तेलंगाना ये सभी लोग मिर्ची तोड़ने गए थे और क्योंकि अभी पूरा रोड ब्लॉक है इस कारण एक और कोई साधन नहीं मिलने के कारण ये 3 दिन से लगातार वहाँ से पेरू से पैदल चलते हुए पहाड़ी रास्ते से आ रहे थे। हाँ, हम लोगों ने हालांकि इनका प्रिजर्व बॉडी भी प्रिजर्व किया है और इनका सैंपल भी भेजे थे सावधानी के तौर पे, तो इनका रिपोर्ट आया है जो कोविड-19 के चलते शंकास्पद मरीज के रूप में, लेकिन उनका रिपोर्ट निगेटिव आने के कारण में आज उसका पोस्टमार्टम करके आगे कार्रवाई की जा रही है। हाँ, मौत का पोस्टमार्टम में तो अभी रिपोर्ट मैंने देखा नहीं, अभी कम्प्लीट हुआ है, लेकिन जहाँ तक ये लग रहा है ये गर्मी का सीजन है, दिन भर रात भर ये लोग बाग चल रहे हैं तो उसके कारण हो सकता है एग्जॉस्टन हो गया हो या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस या फिर शरीर में पानी की कमी, यही एक कारण हो सकता है।